अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर इस समारोह की शुरुआत करें। बिहार दिवस 2022 का विधिवत आगाज दीप प्रज्वलन के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य परामर्शी सभी शामिल हो रहे हैं दीप प्रज्वलन में। अपनी लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राहे नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरी उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम चलते रहना। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकरम एव च पत्रे पत्रिका सर्वदेवानाम वृक्षराज नमस्तुते। जी हाँ, पर्यावरण का कोई बंधन नहीं होता, न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न भौगोलिक सीमा का। पूरी मानवता का बंधन और सीमाओं से ऊपर उठकर पौधा लगाना चाहिए हम सबको, और ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कुप्रभाव को हम कम कर सकें। बिहार इस ओर कदम बढ़ा चुका है। सभी अतिथि वृंद का बहुत बहुत आभार। दीप प्रज्वलन के बाद अब बैलून यानी गुब्बारा उड़ाकर बिहार दिवस 2022 का विधिवत शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही साथ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय भवन निर्माण मंत्री महोदय और अन्य हमारे माननीय गणमान्य अतिथियों के द्वारा ये जब आकाश में उड़ेगा उस समय का जो दृश्य होगा, सचमुच हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे। तो ये दृश्य देखने के लिए आप सभी ज़रूर आकाश की ओर देखेंगे, और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा और सभी हमारे माननीय अतिथियों के करकमलों द्वारा आकाश में गुब्बारे छोड़े गए और बिहार दिवस 2022 का विधिवत शुभारंभ। हमारे ये गुब्बारे और अनेकता में एकता का परिचायक आकाश की ओर ये संदेश दे रहे हैं कि हम तमाम बिहारवासी, पता भी नहीं चला हम गाते गाते साउंड चेक भी कर लिए और आपको भेद भी नहीं दिए हैं, तो कृपया अब आपको डांस करना है। क्यों? क्योंकि जब जब बिहार में आते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में बस बिहार है संगीत के लिए, और कोई और जगह है या नहीं। तौबा 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 उफ, तौबा 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 उफ, तौबा 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 उफ, तौबा 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 वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत, तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत। तेन जड़े वेले रब ने मना मेरे यारा दिल तारा जिस रब का नजारा। तौबा 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 वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत, तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत। तेन जड़े वेले रब ने मना मेरे यारा दिल तारा जिस रब का नजारा। छोड़ जहाँ की बातें, जग झूठा है पागल है, तेरे बिना ये सारी दुनिया एक वीराना जंगल है। तेरे संग संग डोल तेरे कृष्ण में डोल, अंग अंग रंग 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 सारा। मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिल रुबा ये पता क्या करूं तेरे सिवा,
तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। आ आ आ आ ये बड़ी खुशी की बात है। 3 साल के बाद आज फिर गांधी मैदान में बिहार दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। ये कार्यक्रम तो हम लोगों का चल रहा है 2010 से ही, जब उसी समय 2009 में ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों को एक बिहार दिवस के बारे में सोचना चाहिए कि कब बिहार बना। तो इसके बारे में वैसे तो बिहार एक ऐतिहासिक है, सब कुछ है, लेकिन ये देखा गया तो जो भी अंग्रेजों के ज़माने में ही जब ये हुआ था, सब लोग बंगाल के हिस्सा थे और उसी में बंगाल से अलग होकर के और एक साथ इसको बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। अब इसकी घोषणा तो उस समय हो गई, लेकिन औपचारिक रूप से फिर हुआ कि आखिर किस दिन से हम लोग मानेंगे कि बिहार दिवस होगा। तो वही जब औपचारिक रूप से और कई चीज़ों का पूरे इतिहास को का अध्ययन कर किया गया और उसी में देखा गया कि भाई जो 22 मार्च 1912 को इसके बारे में औपचारिक घोषणा की गई आधिकारिक कि बिहार एक अलग राज्य हो, हम लोगों ने सोचा कि शुरू करें और इसको काम हम लोगों ने शुरू करा दिया 2010 से, और 2010 और 2011 सब यही हुआ। और फिर 2012 में जब 100 साल पूरा हो गया बिहार दिवस का, तो कितने बड़े पैमाने पर और भी कार्यक्रम हुआ। और जब हम लोगों ने बिहार दिवस के रूप में इस चीज़ को शुरू किया कार्यक्रम, तो बड़ी चर्चा हुई। और आज आप देखते हैं कि अब जब बिहार दिवस के अवसर पर जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है 2010 से, और आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो बिहार दिवस के अवसर पर सब तरफ से बधाई होती है। आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बधाई दी, आदरणीय राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, अनेक लोगों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने बधाई दी, अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने, सब लोगों की तरफ से जो बधाई का संदेश आता है, तो आप सोच लीजिए। और यहीं पर जो 10वें गुरु माने जाते हैं और जो सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जन्म यही हुआ। और आप सबको मालूम है कि 350वें जन्म दिवस के अवसर पर किस प्रकार का आयोजन बिहार में करवाया गया, पटना साहिब में, इस गांधी मैदान में भी उसका आयोजन किया गया। तो हर तरह से ये सारे काम किए जाते हैं। और बिहार सूफी संतों की भी कर्म भूमि रही है। सूफी संतों के कार्यस्थल जैसे मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, खानकाह मुजीबिया, आप समझ लीजिए खानकाह मुनीमिया, मित्तन घाट आदि अनेक जो है विकास और सौंदर्यीकरण तथा पर्यटकीय सुविधाओं का कितने जगहों पर निर्माण कराया गया। तो हर प्रकार से आप देखिएगा तो बिहार में तो इन सब चीज़ों को काफ़ी भूमिका रही है। और आप सब जानते हैं कि ये तो प्राचीन भारत का जो शक्तिशाली राजवंश रहा है, मौर्य राजवंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, और सम्राट अशोक इस राजवंश के सबसे पहले शक्तिशाली